100% दे सकते हैं आप अगर खुश रहेंगे तो। अगर आपका माइंड खुश नहीं है, आप खुश नहीं हो, तो आप मान लो ड्राइव कर रहे हो ना, ड्राइव कर रहे हो, आपका माइंड ही नहीं है ड्राइव के अंदर, वो काम ही नहीं कर रहा, माइंड काम ही नहीं कर रहा। जो आप 100% अपने बिजनेस के अंदर देना चाहते हैं वो दे ही नहीं पाओगे। जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो तो उनको 100% नहीं दे पाओगे, ठीक है, और या फिर उनसे झगड़ा करोगे अगर आपका माइंड खुश नहीं है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होगा। तो लिखें आप कॉमेडी वीडियो सुन सकते हैं 10 से 15 मिनट, तो जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है वो चेंज हो जाएगा, खुशी आ जाएगी आपके माइंड के अंदर, है ना। और दूसरा क्या कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो देखते हैं नेगेटिव वीडियो, तो वो मत देखें। आपके ग्रुप बने होंगे, मान लो आपके मोबाइल के अंदर ग्रुप होते हैं, जैसे ग्रुप बने हैं तो उसके अंदर अपने बहुत सारी नेगेटिविटी वीडियो आती है, किसी का क्या हो गया, किसी का क्या झगड़ा चल रहा है, किसी का क्या चल रहा है, वो अपने पूरे ध्यान से देखते हैं, है ना। वो चीजें देखनी बंद करें, पॉजिटिव वीडियो जितना हो सकता है वो देखें, जितना आपके माइंड को पॉजिटिव करें, मोटिवेशन वीडियो देखें, है ना, कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं। और लिखें क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक्सरसाइज डेली रूटीन में मिलती है आपको सुबह मॉर्निंग क्लब के अंदर, मॉर्निंग क्लब के अंदर आएंगे तो आपको एक्सरसाइज मिलेगी, तो एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपका मूड चेंज हो जाता है। जो भी अपने पर्सन है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका मूड चेंज होगा, एक्टिव होगी बॉडी, एक्टिव होगी बॉडी तो आपको पसीना भी आता है। जब अपने एक्सरसाइज करते हैं ना, मान लो स्टार्टिंग में मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का, ना उठने का मन नहीं कर रहा, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, जब आप उठ के एक बार करोगे ना, एक्सरसाइज कर ली आपने, आधा घंटा दे दिया अपनी बॉडी को, 45 मिनट दे दिए अपनी बॉडी को, तो आपका माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा, आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाएगी, जितने लोग करते हैं ना उनको पता है, ठीक है। और आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, अगर 3 मंथ तक आपने एक्सरसाइज कर ली तो आपकी हैबिट बन गई, है ना, आपका मूड भी चेंज होगा अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो, ठीक है, उससे आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। जो आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी जा रही है ना, वो आपके पसीने से बाहर निकल जाएगी। पसीना आया, आज किसको पसीना आया, ठंडी बहुत है सर, पसीना किसको आना है, जिसने अच्छे से की है ना एक्सरसाइज उसको आया, और जो स्क्रीन के ऊपर करवा रहा है आके उसको तो जरूर आया, क्योंकि उसने आपके आपको अच्छे से करवानी है ना एक्सरसाइज, तो अच्छे से करवाएगा वो, उसको तो जरूर आया पसीना, है ना। जिसने की नहीं एक्सरसाइज, 2 मिनट की एक्सरसाइज बैठ गया, फिर एक्सरसाइज की बैठ गया, उसको नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखें आगे, सैड सॉन्ग सुनते हैं, कितने लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं, क्यों सुनते हो भाई दिल टूट गया आपका, ना सुने सैड सॉन्ग, मत सुने सैड सॉन्ग, सुनते हैं आप तो माइंड के अंदर नेगेटिविटी आती है अपने, सैड सॉन्ग सुनते हैं, सैड वीडियो देखते हैं अपने, है ना। तो ये चीजें मत करें, आप पॉजिटिव वीडियो, मोटिवेशन वीडियो देखें, है ना। और बहुत सारे लोग अपने क्या करते हैं, पास्ट को लेके बैठ जाते हैं, भी मेरे साथ पहले क्या हुआ, क्या क्या कर रहा था मैं, और क्या होना स्टार्ट हो गया मेरे साथ, है ना। तो पास्ट को छोड़ दें, भूल जाएं उसे, जो हो गया हो गया, अभी जो आगे होने वाला है, जो आपने चल रहा है अभी टाइम, उसको लेके एक्साइटमेंट में रहें, खुशी में जिए, और अगर आप खुश रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, तो आपका दिन जो निकलेंगे अच्छे से निकलेंगे। जीना तो पड़ेगा ही भाई, जीना तो पड़ेगा ही, और जिंदगी काटनी पड़ेगी, अगर खुशी से एक्साइटमेंट से काटेंगे तो बहुत अच्छे से जाएगी। अगर रोने धोने वाला आप रखोगे सिस्टम, तो ये नहीं निकलेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और लिखें, ये प्रॉब्लम चैलेंज कुछ ही टाइम के रहते हैं, कोई भी आपके अंदर प्रॉब्लम चैलेंज आ रहा है, आपके साथ प्रॉब्लम चैलेंज आ रहा है, तो कुछ ही टाइम के रहते हैं, ये निकल जाते हैं, ठीक है। और लिखें, बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं माइंड के अंदर, और अंदर तक जाने देते हैं, अपने अंदर तक, माइंड तक चली जाती है आपके बातें, तो उनको निकाल दें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें, छोटी सी बात होगी उसको लेके मत बैठे, छोड़ दें उसे, कोई दिक्कत नहीं है, चलता ही रहता है ऐसा, ठीक है। और नेक्स्ट वीक, बड़े सारे लोग खुद की बजाय लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, और फिर दुखी होते हैं भी, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मेरे जैसा क्यों नहीं कर रहा ये, है ना। तो खुद बदल जाए, लोग नहीं बदलेंगे,
लोगों को बदलने से पहले आप खुद बदल जाएं। जो भी जिसने चलना है उन्हें उसने अपने हिसाब से चलना है, जो भी चलेगा जिसने चलना है ना वो अपने हिसाब से चलेगा, आप बदल जाएं, ठीक है। लोगों को बदलने की कोशिश मत करें, ठीक है, तो आप खुश रहोगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, फ्री बैठे सोचते रहते लोग, तो मत सोचे क्या होना है, आगे क्या होना है, और पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, जो चल रहा है उसके अंदर ही सोचे, जो हो रहा है ना उसके अंदर ही रहे और उसके अंदर ही सोचे। और नेक्स्ट लिखे, सुबह जल्दी उठे, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दें और खुशी से उठे, ये नहीं कि लड़ते झगड़ते। हैबिट्स के ऊपर अपने बात की थी एक दिन, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे आप उठ सकते हैं सुबह उठते ही, कैसे कौन सी हैबिट्स रख सकते हैं आप सुबह उठते ही। खुद को बोल सकते हैं, अपना नाम लेके बोल सकते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, क्या बोल सकते हैं, सुरेंद्र कुमार, जैसे मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार स्माइल, है ना, आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लेके स्माइल कर सकते हैं, ठीक है। कौन करके दिखाएगा अभी, ऐसे नहीं सुरेंद्र कुमार स्माइल, ऐसे नहीं बोलना, हंसना है, हंस के बोलना है, ओके, वेरी गुड सर, ओके। इंद्रजीत सिंह, ओके, वेरी गुड। तो सर के लिए क्लैपिंग कर दे, जबरदस्त तरीके से हंसे है ना, ओके। तो भाई ऐसे नहीं मत हंसे, जो सो रहे हैं ना आपके घर वाले वो डर जाएंगे, वो और उठ जाएंगे, आज इसको क्या हो गया ना। अच्छा बेटा भी कर रहे हैं, हाँ हाँ जी बोलिए अभी। ये तो डराएगा भाई, ओके चलो ठीक है, बंदे ठंडा है, ओके चलो। तो नेक्स्ट लिखे अपने, इस तरीके से सुबह की शुरुआत कर सकते हैं, हैबिट्स को चेंज करें अपनी, है ना। मॉर्निंग की शुरुआत अगर अच्छी होगी तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, ठीक है। अगर पूरा दिन अच्छा चला गया तो पूरा वीक चला गया तो पूरा मंथ अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने कर सकते हैं ना। और कंपेयर मत करें अपने आप को, कंपेयर बहुत सारे लोग करते हैं अपने कि कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, भी वो तो इतना सुंदर है, मैं इतना सुंदर नहीं हूं, है ना, या उसका इतना कद बड़ा है, मेरा भी इतना बड़ा होता है, या उसने ये पहन रखा है, या जो उसके पास ये चीज है मेरे पास नहीं है ना। तो कंपेयर मत करें, जहां पे और जैसा परमात्मा ने आपको बनाया है वैसा ही रहें, उसके अंदर खुश रहें, ठीक है। कंपेयर मत करें, डोंट कंपेयर, है ना। और लिखें आगे, दूसरों से जो उम्मीद करते हैं ना कि ये मेरे लिए ये करेगा, उम्मीद मत करें किसी से भी, ये मेरे लिए ये करेगा या ये मेरे लिए ये करेगी, है ना। किसी से उम्मीद मत करें, खुद के ऊपर ही रखें उम्मीद अपनी, खुद के ऊपर विश्वास रखें कि मैं जो हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं। खुद के ऊपर ही विश्वास रखें, किसी के ऊपर उम्मीद मत रखें ये मेरे लिए ये कर देगा या ये कर देगी, है ना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे रिजल्ट आता है,